तो हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम कल के लिए यानी कि मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे कि कहाँ पे हमारा बाय और सेल बन सकता है। हालांकि आपको मैं पूरा डिटेल्स में ये वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको समझाया है, तो जो भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर वीकली एनालिसिस वीडियो जाके देख सकते हो। वहाँ पर कुछ पोजिशनल ट्रेड और मार्केट का क्या डायरेक्शन है वो आपको व्यू वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करते हैं कि कल कहाँ पे बाय और सेल बन सकता है हमारा इंट्राडे के हिसाब से। तो चलिए अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो अभी हमारे सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और अब बात करें कल हमारा क्या व्यू रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट्स में अभी बहुत सी मतलब दो तीन कुछ ये नेगेटिव न्यूज़ आई है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी से क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। अभी भी निफ्टी में आपको जो वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके डे टेस्टिंग वाला सीनारियो आपको दिखाया, तो कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे अभी भी पॉजिटिव है। पर यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ न्यूज़ बनी है मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको आपने सुना होगा कि जो फिर से इंडनबर्ग और एक जॉर्ज सोरोस करके कुछ उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट चर्चा वर्चा कुछ न्यूज़ चल रहा है उनका, तो उसके चलते हो सकता है कल हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल सकती है कल के दिन। और जॉर्ज सोरोस की बात करें तो वो भी एक शॉर्ट सेलर है और माना जाता है कि वो भी एक बड़ा ट्रेडर है, और वो सेलिंग खास करके करेंसीज में करता है जो कि एक रुपीस पे हमें ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। अगर वो ज़्यादा उसका इम्पेक्ट पड़ता है, मार्केट उसको ज़्यादा सीरियस लेता है तो यहाँ पर अगर लेवल्स की बात करें कि कल कहाँ कौन सा लेवल्स ब्रेक होता है तो हम सेलिंग और बाइंग के लिए चलेंगे। ज़्यादातर अगर सेलिंग की अगर चांस हमें देखने को मिलती है तो पहले उसको ही हम ध्यान में रखेंगे, बाकी बाद में बाइंग को थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो बात करें अभी सेलिंग के लिए कल कौन सा लेवल्स रहेगा, तो यहाँ पर जो 200 ईएमए दिख रहा है, तो 200 ईएमए अगर हमारा फिर ब्रेक होता है कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रेस कवरी हमें देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और नेक्स्ट मंडे को अगर ये 200 ईएमए और लेवल की बात करें तो 17,900 ये ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमारा सेलिंग बनेगा, सेल ट्राई ट्रेड हमारा वहाँ पे एक्टिवेट होगा। और डाउन साइड के लिए टारगेट की बात करें तो टारगेट में तो देखो ये स्विंग हमारा बीच में थोड़ा अडल बन सकता है, तो वो भी ब्रेक हो ही जाएगा क्योंकि इस बार अगर 200 ईएमए को ये निकालेगा तो फिर हमें वहाँ पे ब्रेकडाउन मिल ही जाएगा। तो डायरेक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे 17,800 ये 50-60 का। और सेकंड टारगेट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमें ये स्विंग लेके चलना है और 17,800 तक हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड टारगेट अगर ज़्यादा सेलिंग आती हुई दिखती है तो ये गैप फिलिंग तक हम जा सकते हैं, जो लेवल्स आ रहा है 17,760। तो ये हमारे डाउनसाइड के लिए लेवल्स रहेंगे। और बाइंग के लिए अगर बताऊँ कि बाइंग हम तभी करेंगे कि जब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को जहाँ से रिजेक्शन लेके वो गिरा था वही हमारा बाइंग लेवल बनेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है निफ्टी और लेवल से 18,020 का तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, है ना। अगर उसके नीचे अगर देखने को मिलता, हालांकि अगर हम वो SGX और डाउ जोन्स को देखें तो कुछ ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है, तो अगर उसके चलते हमें हो सकता है थोड़ा साइडवेज या पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और वो अगर 18,000 तक अगर लेके जाता है तो वहाँ पे पहले हम पहला क्या रहेगा, अगर मान लो कि यहीं कहीं से ये ओपन होके एक मिनट, मान लो कि यहीं कहीं साइडवेज या गैप अप ओपनिंग देके ये लेवल्स रहेगा हमारा, अगर यहीं से ऊपर गया तो पहले यहाँ पे क्या हम रिजेक्शन ढूंढेंगे। अगर डबल टॉप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न नेगेटिव जो हो वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे पहले सेलिंग के लिए हम ट्राई करेंगे। अगर सेलिंग ट्रेड नहीं मिलता है और इसको ब्रेक करता है 18,080 से, और अगर
इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेक ब्रेक करके रिटेस्ट और कंटिन्यू दिखता है तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो फिर इग्नोर करेंगे। तो 18,000 के नीचे जब तक रहता है तो सेल ऑन राइस वाला वहाँ पे व्यू रहेगा निफ्टी में हमारा, तो वहाँ से भी हम सेलिंग ट्रेड हमारा बना सकते हैं अगर बाई चांस ऊपर खुल के रिजेक्शन लेता है। तो फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 17,900, ये 950 भी हमें देखने को मिल सकता है वहाँ फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 900, तो फिर ये कंटिन्यू ये टारगेट लेके चलेंगे। और बाइंग साइड के लिए अगर मान लो कि ये सारे लेवल्स 18,000 के ऊपर अगर ब्रेक करके निकल जाता है तो फर्स्ट टारगेट की बात करें वहाँ पे, तो ये स्विंग हम तो पहले भी आपको दिया था 18,080 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और यहाँ पे लेवल्स में मार्क कर दूँ, और सेकंड टारगेट की बात करें तो 18,130 का जो इस दिन का हाई है वहाँ तक हमारा ट्रेड अपर साइड प्लान रहेगा, और फिर से वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से हम नया प्लानिंग करेंगे। अगर ये ब्रेक करके निकल जाता है तो फिर वहाँ आगे प्लानिंग करेगा, पर हालाँकि पहले तो 18,000 के नीचे सेल ऑन राइस वाला व्यू रहेगा, वॉलीटिलिटी हो सकता है ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे निफ्टी में कल के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी वो पहले से ही नेगेटिव है और लेवल्स भी कुछ अच्छे खासे वो लेवल से वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो यहाँ पर बात करें पहले सेलिंग की, तो 200 EMA जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है 41,420, यहाँ इसके नीचे सेल ऑन राइस वाला हमारा व्यू रहेगा। और बात करें पिछले टाइम ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी यहाँ पे काफ़ी टाइम मतलब बहुत टाइम यहाँ पे ले चुका है, तो ऑलमोस्ट 400 से ये 500 के आसपास ये लेवल्स हमें देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन में ये रिजेक्शन लेता है अगर साइडवेज या गैप अप ओपनिंग देके ऊपर जाके यहाँ देखने को मिलता है तो रिजेक्शन लेता है तो वहाँ पे सेलिंग बनेगा। टारगेट की बात करें अगर ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट ये बनेंगे और डायरेक्टली यहीं कहीं साइडवेज ओपन होके सीधा अगर सेलिंग के लिए निकलता है तो सेलिंग वहाँ पे हमारा कहाँ बनेगा, इसी 10 EMA लेवल्स ये ब्रेक होता है नीचे की साइड तो वहाँ पे हमारा सेलिंग बनेगा। लेवल्स की बात करें तो 41,000 40-50 है तो 41,000 ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमारा सेल साइड ट्रेड बनेगा। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो इसी दिन का लो, और आगे देखें आगे कौन से लेवल्स हमारे पास आएंगे तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक आ सकते हैं 650 का ये हमारा रेंज रहेगा डाउन साइड की तरफ, यहाँ बीच में अगर कोई छोटा सा लेवल्स की बात करें तो बीच में ये 750 800 ऑलमोस्ट हम 650 तक लेके चल सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको थोड़ा, हाँ बस यही चलेगा तो इसके हिसाब से हमें चलना है। फर्स्ट टारगेट यही अचीव हो जाता है तो फिर स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट रख के ट्रेलिंग करते जाना है और 640,650 तक हम टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। तो डाउन साइड के लिए ये व्यू रहेगा हमारा, बाइंग कहाँ करेंगे, बाइंग तभी करेंगे जब ये 200 EMA और लेवल्स की बात करें तो ये आज के दिन का हाई 500 इसके ऊपर निकलता है तभी हम बाई साइड के लिए ट्रेड हमारा एक्टिवेट करेंगे। और टारगेट की बात करें तो टारगेट ये स्विंग हम लेके चलेंगे जो 41,800, और सेकंड टारगेट की बात करें तो ये हमारा इसी दिन का हाई और राउंड थोड़ा नंबर लेके चले तो 42,000 तक का हम टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। तो ये व्यू रहेगा याद रखना है 41,400 200 EMA पे अगर गैप अप ओपनिंग देके या साइडवेज ओपनिंग देके ऊपर जाता है तो यहाँ पे पहले हम सेलिंग के लिए वहाँ पे व्यू बनाएंगे। अगर कोई पैटर्न कैंडल स्टिक कुछ भी हमें देखने को मिलता है नेगेटिव तो वहाँ पे पहले सेलिंग के लिए देखेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं देखता है ब्रेक करता है सस्टेन होता है ब्रेकआउट रिटेस्ट और कंटिन्यू तभी हम बाय साइड के लिए प्रेफर करेंगे। तो ये सिंपल सा व्यू रहेगा, लेवल्स हमारे पास यही रहेंगे कल के लिए। तो वीडियो हम इधर ही ख़त्म करेंगे, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो थैंक यू, धन्यवाद।